आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारा प्रश्न है, थाइमोसिन किसमें भूमिका निभाते हैं? या थाइमोसिन किसमें अहम भूमिका निभाते हैं? और हमें यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है केवल कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा में, दूसरा है केवल तरल प्रतिरक्षा में, और तीसरा है कोशिका माध्यित और तरल दोनों में, चौथा है न तो कोशिका माध्यित में और न ही तरल प्रतिरक्षा में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो थाइमोसिन है। थाइमोसिन का श्रावण कौन करता है, कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथि में। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन का श्रावण करती है। और थाइमोसिन क्या करते हैं? टी सेल यानी टी कोशिका, या इसको बोल सकते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट बनाने के लिए शरीर को क्या करती है, ये प्रेरित करती है, या टी लिम्फोसाइट बनाने में ये सहायता करती है। अब देख लेते हैं जो टी सेल्स है वो क्या करती है। जो टी सेल या टी कोशिका है वो क्या करती है, शरीर की सुरक्षा करती है। किससे? पैथोजन से। शरीर की सुरक्षा करती है पैथोजन से। अब पैथोजन को क्या होता है, कौन कौन से होते हैं पैथोजन? जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब क्या है पैथोजन है, और इनसे क्या करती है, शरीर की सुरक्षा करती है। तो क्या होता है जब कोई पैथोजन हमारे शरीर में क्या करता है, अटैक करता है, तो जो जो टी सहायक कोशिकाएं होती है, टी सहायक कोशिका होती है, वो क्या करती है, टी कोशिका का निर्माण को प्रेरित करती है। और फिर क्या करती है, जो टी कोशिका है वो जो टारगेट सेल होती है उस पर क्या करती है, अटैक करती है। उससे क्या होगा, कोशिका भी मर जाएगी और क्या होगा, प्लस जो पैथोजन होगा वो भी मर जाएगा। तो इस प्रकार ये शरीर की कोशिका भी मार देती है, पैथोजन को भी मार देती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, किलर सेल्स या किलर कोशिका कहा जाता है, क्योंकि ये पैथोजन के साथ साथ शरीर की कोशिका को भी मार देती है। तो ये जो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा है वो किस क्या कौन सी प्रतिरक्षा कहलाती है, वो होती है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। और ये क्या होता है, इसमें कौन सी कोशिका हेल्प करती है, टी कोशिका। और टी कोशिका का श्रावण के लिए कौन टी हेल्पर सेल को प्रेरित करता है, वो होता है थाइमोसिन। तो इस प्रकार हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थाइमोसिन किसमें भूमिका निभाते हैं, केवल कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। और जो तरल प्रतिरक्षा होती है वो कौन सी कोशिका के अंतर्गत आती है, जो बी कोशिकाएं जो शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है वो होती है केवल तरल प्रतिरक्षा। तो इस प्रकार हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा में थाइमोसिन अहम भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।